आजकल बहुत सारे लोगों में खून की कमी पाई जाती है, ऐसे में उन्हें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खून की कमी हो जाए तो व्यक्ति को तमाम तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। इससे शरीर सुस्त पड़ जाता है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसा अधिकतर खून में आयरन की कमी के कारण होता है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए सेब, अनार, पपीता व सब्जी में पालक, मेथी, गाजर, बथुआ, चुकंदर, खुबानी, अंजीर आदि का सेवन करें। खून की कमी के मुख्य कारण हीमोग्लोबिन की कमी और रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। आज हम आपको खून की कमी दूर करने के कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। खून की कमी को पूरा करने के लिए अनार सबसे अच्छा होता है। वो खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, इसके कई सारे फायदे भी होते हैं। अनार कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तांबा, लोहा और विटामिन जैसे तत्वों से भरपूर होता है। अनार खाने से शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही एक गिलास अनार के जूस के साथ आप एक गिलास चुकंदर का जूस मिलाकर ले सकते हैं। मुनक्का, मुनक्का को रात में लोहे की कढ़ाई में पानी में 6 घंटे भिगो के रखने का प्रयोग करें। ऐसा करने से तेज़ी से खून में आयरन की मात्रा बढ़ेगी। साथ ही रोज़ाना 15 मिनट वरुण मुद्रा करें तो जल्द ही खून की कमी पूरी हो जाएगी। फलों के अलावा सब्जियां भी खून बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। सब्जियों में अच्छी सेहत के गाजर काफ़ी फायदेमंद रहती है। साथ ही गाजर के सेवन से खून की कमी को भी दूर किया जा सकता है। गाजर का रोज़ाना जूस पीने से भी काफ़ी फायदा मिलता है। वैसे ही खजूर का सेवन से भी रक्त की कमी दूर करने का गुण विद्यमान होता है। इसके लिए रोज़ सुबह दूध के साथ 3 से 4 खजूर का सेवन किया जा सकता है। वहीं कच्चे सिंघाड़े के सेवन से हमें भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है। साथ ही ये खून बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक होता है। अगर आप अपने रोज़ाना के जीवन में इसका सेवन करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये थी कुछ चीज़ें, जैसे कि कच्चे सिंघाड़े, खजूर, गाजर, मुनक्का और अनार। इन सारी चीज़ों का उपयोग कर आप अपने शरीर से खून की कमी को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.